हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के स्कूल गैजेट से भरे वीडियो में। आज हम आपके लिए 10 कूल और यूजफुल गैजेट्स लेकर आए हैं जो साइज में छोटे हैं, लेकिन हाँ, ये काफी ज्यादा काम आ सकते हैं और कुछ गैजेट्स तो आप 500 रुपीज के अंदर ही खरीद सकते हैं। हर गैजेट की परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद नंबर 1, ज़ेनको टाइनी T1। दोस्तों, दुनिया में टीवी से लेकर स्मार्टफोन तक के साइज बढ़ चुके हैं यार, लेकिन इसी बीच में एक कंपनी है जो बिल्कुल उल्टे दिशा में काम कर रही है यार। तभी तो इस कंपनी ने दुनिया के सबसे छोटे फोन को बनाए और इस फोन का नाम है 1 ज़ेनको टाइनी T1। इस फोन को ज़ेनी मोबाइल लिमिटेड नाम की कंपनी ने डिजाइन किया है। अब अगर आप उन लोगों में से है जो टेक्नोलॉजी से अपडेट रहते हैं और ऐसे सामान रखने का शौक रखते हैं, तो यह आपके लिए बड़े काम की चीज है। ये फोन एक कॉइन से भी हल्का है, ये यकीन मानिए। जब आप इसे अपने पॉकेट में रखेंगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पॉकेट में फोन है। जी हाँ, आप इसे एक बैकअप ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप इस फोन का यूज नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पे गलत है। आप इस फोन से ना सिर्फ बात कर पाएंगे, बल्कि आप इससे किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। आप इस फोन में 300 से ज्यादा नंबर को सेव भी कर सकते हैं। और इस फोन की बैटरी अरे बाप रे बाप, गजब की दमदार है, 3 दिन तक चलती है यार। अगर आप किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या दे तो फोन गिफ्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट ऑप्शन है। इस छोटे से फोन को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। बड़ा क्यूट फोन है यार। नंबर 2, मिनी फ्लैशलाइट। यार फ्लैशलाइट की जरूरत भला किसे नहीं पड़ती है। हम सबके फोन में फ्लैशलाइट तो है, पर वो उतने ब्राइट नहीं होते हैं यार, है ना। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी ही मिनी फ्लैशलाइट जो साइज में तो छोटी है, मगर इसकी ब्राइटनेस में काफी ज्यादा है। और इसमें आपको 3 लाइट के मोड मिलते हैं, साथ ही ये सिर्फ 43 ग्राम की है। अरे हाँ, आप इसके पीछे लगे मैग्नेट इसको कहीं भी अटैच करने के लिए काम आते हैं। IP वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाली इस टॉर्च को आप टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हैं। सिंपल है ना। और हाँ, ये एक बॉटल ओपनर का भी काम करता है और आप इसे एक की चैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। बात करें इसकी प्राइस की, तो आप इसे 550 रुपीज में इन से खरीद सकते हैं। नंबर 3, QVI केबल ऑर्गेनाइजर। अब गाइस, ये केबल ऑर्गेनाइजर है। अब इसकी अहमियत तो उन्हें पता होती है जिनके डेस्क पे केबल यार बिखरी पड़ी रहती है। आवारा तो ये क्या करते हैं ना कि उन केबल्स को ऑर्गेनाइजर वे में रखता है, तो इसे यार सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। आपको इसके टेप यानी कि ऊपरी कवर को हटा रहे हैं और इसे टेबल पर चिपका देना है। That's it, fine हो गया, set और गया। इसमें आप 5 केबल्स लगा सकते हैं, जिसके बाद आप देखोगे ना यार की वर्किंग डेज कितना नीट एंड क्लीन और वेल सेटअप लगता है। वैसे आप इसे किसी भी सर्विस पे चिपका सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। जैसे कार के डैशबोर्ड में भी लगा सकते हो। ये ऑर्गेनाइजर बना है सिलिकॉन मटेरियल से, तो हाँ, एक लंबे समय तक टिकने वाला मटेरियल ये। अब मार्केट में इसके अलग अलग मॉडल्स मौजूद है, पर सबका काम एक ही है यार, ऑर्गेनाइजर करना। और गया तो इसकी प्राइस। नंबर 4, 10-in-1 आउटडोर मल्टीफंक्शनल गैजेट। तो यार सभी मजेदार होते हैं, लेकिन मजा उनमें आता है जो पोर्टेबल भी हो और उसमें कई सारे फीचर भी हो। इन्हीं में से एक है 10-in-1 आउटडोर मल्टीफंक्शनल गैजेट। ये गैजेट आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ये पोर्टेबल होने के साथ साथ बहुत लाइट वेट भी है, जिससे कि आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। दरअसल ये एक 10-in-1 ओक्लॉक टूल है जो आपको देता है मल्टीपल कामों की सुविधा एक साथ। इसमें लगे टूल हाई क्वालिटी स्टील से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसमें रश नहीं लगता है। आपको इस टूल में एक बोतल ओपनर, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर, सीट बेल्ट, कटर, नेल रिमूवर और स्पोक रेंज मिलता है। इसमें एक की रिंग भी दी हुई है, जिसमें आप चाबी भी लगा सकते हैं। और ये 10-in-1 आउटडोर मल्टीफंक्शनल गैजेट है, आपको बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक लुक देगा ये सब। नंबर 6, गोगो बर्ड ऐप। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी आपने हवा में उड़ते हुए बर्ड देखे हैं? अरे मेरा मतलब कि एक टॉय बर्ड देखा है क्या? आमतौर पर हवा में ड्रोन देखे होंगे आपने, पर अब एक ऐसे फ्लाइंग टॉय बर्ड को बनाया गया है जो एक असली बर्ड की तरह दिखता है। यार सच बता रहा हूँ, एक टाइम पर देख कर ना इसे मैं खुद हैरान रह गया था कि यार ये क्या बवाल चीज है यार, देखो ना ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। वेल तो ये एक टॉय बर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसे रिमोट से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इस टॉय बोर्ड के फुल चार्ज होने पर 25 मिनट तक बिना रुके उड़ा सकते हैं, और हम ये 500 मीटर तक की रेंज तक आराम से जा सकता है। क्यों सही है ना। नंबर 7, मिनी वैक्यूम क्लीनर। गाइस, वैक्यूम क्लीनर सुना बहुत काम के होते हैं, क्योंकि वो हमारे काम को इतना आसान बना देते हैं कि क्या ही कहना है ना। लेकिन यार वैक्यूम क्लीनर में ना एक दिक्कत बड़ी ही परेशान करती है, जो कि है उनका वायरलेस ना होना और कॉम्पैक्ट ना होना। अब मैं छोटे वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहा हूँ, तो बस मुझे एक ब्राउजिंग करते समय ना एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर मिला, तो साइज में बहुत ही छोटा है यार और काम भी जबरदस्त करता है। हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको कुछ अटैचमेंट मिलते हैं, तो इस ब्रश को लगाओ और अपना काम शुरू कर दो।
जिसकी सक्षम पावर भी ना कमाल की यार काफी अच्छी है और इससे आप कीबोर्ड से लेकर कार की सीट एसी सब कुछ साफ कर सकते हो और कहीं जगह पे यूज कर सकते हो। और हाँ, ये रिचार्जेबल नंबर 8 लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा गाइस, ये कैमरा है, अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला कैमरा नहीं है जो बड़ा और भारी होता है, ये तो यार स्मार्टफोन के लिए बना हुआ कैमरा है। जी हाँ, अब आप ज्यादा सोचिए मत कि अब हमें फोन पे कैमरा की क्या जरूरत है यार, देखिए फोन में जो कैमरा होता है ना वो नॉर्मल कैमरा होता है, अरे मेरा मतलब कि 360 कैमरा थोड़ी ना होता है, तो ये जो कैमरा है ना वो 360 डिग्री कैप्चरिंग कैमरा है। यस, पहले तो यार कितना मस्त लग रहा है ना, खैर आप इसे फोटोज और वीडियोस दोनों ही बड़े आराम से शूट कर सकते हो। अब ये कैमरा इतना स्मार्ट है ना कि जब भी आप इसके कैप्चर लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो ये सीधी आपके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। टेंशन ही नहीं है भाई, सीधा अपलोड सारी साथ आप इस कैमरे की मदद से आसानी से लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स के साथ साथ आपको इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन भी मिलता है। वाह यार, ये तो ऑल इन वन हो गया है, क्यों सही है ना, इंटरेस्टिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना।